अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां विंध्य क्षेत्र के जनमानस की भावनाओं को ठुकराते हुए शासन द्वारा पर्यावरण विभाग एफको ग्रामीण मध्य प्रदेश कार्यालय रीवा को बंद कर दिया गया। उक्त कार्यालय को जारी रखने के लिए पूर्व में विधायक गिरीश गौतम के द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया था, लेकिन वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के पारित निर्णय को नजरअंदाज करते हुए शोध अधिकारी 2011 को मूलतः भोपाल मुख्यालय वापस बुला लिया गया तथा शेष बचे कर्मचारियों को कलेक्टर कार्यालय में अटैच किया गया। इसके उपरांत सुनियोजित साजिश के तहत रीवा में संचालित विभिन्न क्षेत्र कार्यालय को पूर्ण बंद कर दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने मांग की है कि विंध्य क्षेत्र की जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संवर्धन संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यरत पर्यावरण विभाग को ग्रामीण मध्य प्रदेश कार्यालय रीवा में आवश्यक रूप से संचालित रखा जाए, जिससे कि पर्यावरण के क्षेत्र में नवाचार होगा एवं शोधकर्ताओं को प्रेरणा मिलेगी। आइए सुनाते हैं उक्त कार्यालय को बंद किए जाने के बाद मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में क्या मांग की गई है। ये माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को एक पत्र प्रेषित कर रहे हैं, जिसमें रीवा का रीवा संभाग का एवं विंध्य क्षेत्र का एक ऑफिस रीवा में लगती थी, जो अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय के परिसर में लग रही थी। उसका नाम था पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन शाखा एफको, उसका शॉर्ट कार्ड नाम एफको, जो मध्य प्रदेश में जिसके दो कार्यालय थे, एक शहरी क्षेत्र में भोपाल कार्यालय था और समूचे ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कहा जाए कि विंध्य क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्र का कार्यालय रीवा विश्वविद्यालय परिसर में लगता था। इस विभाग का काम था कि जो तालाबों की पर्यावरण संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने के लिए प्लानिंग बनाने का काम, रोड मैप बनाने का काम, प्लानिंग करने का काम इस विभाग का हुआ करता था। पर्यावरण के संरक्षण में इस विभाग का द्वितीय काम था। आज जो रानी तालाब है, रानी तालाब का रोड मैप इन्होंने इसके द्वारा तैयार किया गया, प्लान तैयार किया गया, साथ में अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय तालाब का किया गया, रतहरा तालाब का किया गया, बीहर बिछिया का किया गया, सिमरिया के क्षेत्र में बहुत सारे सरोवरों का प्लान तैयार किया गया। इसी प्रकार बहुत सारे पर्यावरणीय संरक्षण और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस विभाग के द्वारा काम किए जाते थे। साथ ही रीवा के बहुत सारे धार्मिक चिरहुलानाथ मंदिर का प्रोजेक्ट इसके इनके द्वारा तैयार किया गया। इस प्रकार ये विभाग का काम हुआ करता था। वर्ष 2000 इसकी स्थापना 1982 में भोपाल में हुई थी और ग्रामीण क्षेत्र के रूप में रीवा में इसकी स्थापना हुई थी। साथ में 2007 में 18-19 मार्च को विधानसभा में एक अधिकारी के हस्तांतरण होने पर और कार्यालय के बंद होने पर लिखित एक पत्र आया था, जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बंद हो जाएगा, जिसमें सत्र 2007 में मध्य प्रदेश के विधानसभा में हमारे रीवा संभाग के और रीवा जिले के सभी विधायकगण, सम्मानित विधायकगणों ने इस मामले को उठाया था, जिसमें माननीय विधायक गिरीश गौतम जी का ये पत्र है। गौतम जी ने इस पत्र को, जो मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्र लिखा था। ये पत्र की हमारे पास कॉपी है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन शाखा रीवा एफको ग्रामीण को यथास्थिति संचालित करने बाबत इस आशय का माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने, तत्कालीन उस समय विधायक के पद दायित्व में थे, तो आपने लिखा था इस पत्र में, पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कि न तोड़ा जा। और विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय पर्यावरण मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि ये नहीं तोड़ा जाएगा, बल्कि इसका सर्वांगीण विकास होगा और जिले में इसका विकास किया जाएगा। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र का जो यह विभाग पर्यावरण नियोजन समन्वय संगठन एफको लगता था, उसको पुनः से संचालित कराया जाना चाहिए। इस संदर्भ में माननीय सम्मानित सभी रीवा जिले के विधायकों से हमारा अनुरोध है, माननीय सांसद जी से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से अपेक्षा है कि पुनः रीवा का यह ऐतिहासिक जो विभाग प्रोजेक्ट तैयार करता था, उसको पुनः संचालित कराया जाना चाहिए। इसके लिए भवन व कर्मचारी उपलब्ध कराए जाने चाहिए और भोपाल में साथ में पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और इस विभाग को यहाँ तोड़ा नहीं जाना चाहिए। जो तोड़ा गया है उसे पुनः संचालित किया जाना चाहिए, हमारी मांग है। इसलिए कि विंध्य प्रदेश के समय हमारे कई कार्यालय टूट के, चाहे हमको ना हाई कोर्ट की खंडपीठ मिली है, ना कोई हमको बड़े स्तर में कार्यालय मिले, तो हमारे रीवा जिले को इस विंध्य क्षेत्र की अपेक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए और लगातार विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। इससे जनमानस को अत्यंत वेदना है, दुखी है। तो मैं जनमानस की तरफ से रीवा की विंध्य की धारा के जनमानस की भावनाओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आप अपेक्षा करते हैं कि इस कार्यालय को पुनः संचालित कराया जाना चाहिए।
इतने सुंदर सुंदर गहने लाए। दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।